नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए आलू के भाव लेकर। दोस्तों, और आज की कुछ बुरी खबर आपने पढ़ ली होगी थंबनेल में मैंने लिखा है, तो वो किसानों के लिए तो बुरी खबर है ही, क्योंकि किसानों का पारदर्शिता थी जो आलू की बिक्री की जो कोल्ड स्टोरों पर, वो ख़त्म हो जाएगी। अब ख़त्म ऐसे हो जाएगी कि दोस्तों बोली सिस्टम, जो बोली जो ऑक्शन लग के आलू बिकता था कोल्ड स्टोरों पर, वो ऑक्शन लग के बोली लगती थी, जो जैसे चार व्यापारी खड़े हैं खासकर हमारे आगरा में फिरोजाबाद में, और चार व्यापारी खड़े हैं और जो ज़्यादा लगा के बोली अपना ले जाता है आलू, तो दोस्तों वो सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। अब सिस्टम वही चलेगा जो पहले चलता था, कान में जो सौदाएँ होती थी कि किसान के आलू बेचने के लिए कोल्ड स्टोर पर दो चार व्यापारी बैठे हैं, दो का एक आदि कोई बैठा है और अपनी मर्जी से जो छोटा जो कम आलू करने वाले किसान है, जैसे 1000 कट्टे हो गए 500 कट्टे वाले, उनका तो चुपचाप ऐसे ही लिखवा लिया अपना, पता ही नहीं चला कि किस क्या रेट बिक गया आलू, ठीक है ना। बोली पे क्या होता है कि बोली में पारदर्शिता रहती है और आलू की बिक्री बहुत अच्छी रेट हो जाती है दोस्तों। तो ये सब किसानों के लिए इस समय फिलहाल नुकसान है और इसी का रोष किसानों में बहुत ज़्यादा है। बहुत से किसानों के मेरे पे कल मैसेज आए, बहुत से किसानों के मेरे पास फ़ोन आए, और दोस्तों भाड़े में, कोल्ड भाड़े में बढ़ोतरी। तो दोस्तों कोल्ड भाड़े में बढ़ोतरी की अगर हम बात करें तो उस पर डिपेंड करता है खर्चा, तो हर चीज़ में महंगाई है इस समय, ठीक है ना। तो उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि भाड़ा आप ये समझ लीजिए कि भाड़ा तो वो उनके खर्चे के हिसाब से, क्योंकि हर चीज़ की रेट बढ़ गई, लेबर से लेके हर चीज़ की रेट बढ़ी हुई है, तो भाड़े के ऊपर मैं ज़्यादा वो प्रकाश डालूंगा नहीं। मुद्दे की बात यह है दोस्तों, जो बोली बंद हुई है वो मेरे हिसाब से सही नहीं बंद हुई, क्योंकि अगर बोली इतने में कमी ही थी तो फिर इसको 2-3-4 साल क्यों चलाया गया। एक आगरा कुबेरपुर के एक बड़े कोल्ड स्टोर वाले हैं स्वामी, उनसे मेरी बात हुई है, तो उन्होंने मुझसे क्या कहा, उन्होंने कहा कि किसानों ने खूब पैसा कमा लिया, हमने किसानों को खूब पैसा कमवा दिया, जो अब क्या है कि हमारा एक एक व्यापारी पे 1-1 करोड़ रुपए ड्यू है, और व्यापारी ये कहते हैं कि अगर आप बोली लगवाओगे तो हम कोल्ड स्टोरों में व्यापार नहीं करेंगे, और हम लोग कहाँ से व्यापारी लेके आएंगे आलू का व्यापार कराने के लिए और आलू का कोल्ड स्टोर खाली कराने के लिए। तो मैंने उनसे ये कहा कि फिर कोल्ड स्टोर, हालांकि दोस्तों मेरी किसी व्यापारी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना मेरा काम है अपना काम करना, काम ये करना कि हर आदमी, मेरा काम है सवाल पूछना, क्योंकि मैं भाई सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे हर मुद्दे पे जो किसान के अहित में है उनके ऊपर बात करने का मेरा पूरा अधिकार है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वो कह रहे हैं कि हम व्यापारी, सही बात तो यह है कि जो कोल्ड स्टोर वाले हैं वो व्यापारियों के नीचे दबे हुए हैं इस समय बुरी तरह। तो कुछ कोल्ड स्टोर वालों से बात हुई मेरी, तो वो लोग ये कह रहे हैं कि शर्मा जी, हम लोग ऐसी व्यवस्थाएं लेके आ रहे हैं कि किसान सीधा, बड़े बड़े किसान जो है वो सीधा अपना लोडिंग करें, और दोस्तों करते भी हैं, बहुत से किसान ऐसे हैं जो लोडिंग करते हैं, और ये बिल्कुल एक्चुअल एकदम सही स्थिति है इस समय के, बहुत मोटा पैसा कोल्ड स्टोर वालों का व्यापारियों पे दबा हुआ है। अब व्यापारी कहते हैं कि हमारा पैसा आढ़तियों पे ड्यू है, आढ़तियाँ नहीं पैसे देते हैं समय पे। तो मेरी एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि बोली सिस्टम में क्या बुराई है, इसमें किसान की आलू की बिक्री की पारदर्शिता ख़त्म करने के करना क्यों ज़रूरी है इसमें। बोली कोई जबरदस्ती थोड़ी है, कभी किसान ये थोड़ी कहता कि मार्केट से ऊँचा उसका आलू लिया जाए, भाई ये कंपटीशन तो ये लोग खुद अपने कोल्ड स्टोर वाले कराते हैं ना भाई। एक कोल्ड स्टोर, अगर मैं अपने एटा रेट की बात करूं तो कुछ कोल्ड स्टोर वाले जो पर्चियां जो ग्रुपों में घुमाते हैं कि किसी ने 1200 की सौदा कर दी, 1300 की, क्या हुआ 1100 रुपये 1200 रुपये की सौदा हुई कोल्ड स्टोरों में, उसके बाद जो मतलब मीडियम कोल्ड स्टोर हैं, ठीक है ना, जो बेचारे ईमानदारी से किसानों की सेवा करने में बेचारे लगे हुए हैं, जो ईमानदारी से बढ़िया बिक्री कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, उन लोगों को प्रेशराइज करके उन लोगों ने अनजान पने में उल्टा सीधा आलू की व्यापारियों को फोर्स करके व्यापारियों से कहते हैं, अरे तुम उस कोल्ड स्टोर में आलू ये रेट बिक रहा है, तुम क्यों नहीं खरीद रहे हो। तो भाई व्यापारी क्या करे, व्यापारी जो व्यापार कर रहे हैं उन्हें भी घबराहट में खरीद लिया, उन्होंने सोची शायद आगे 8 दिन बाद आलू में बहुत ज़्यादा महंगाई आने वाली है, उन्होंने भी महंगे ले लेके खरीद लिए, उसके बाद उनको बहुत बड़े बड़े दोस्तों घाटे हुए। इस चीज़ के बारे में मैं पहले ही आगाह कर चुका था, मैंने पहले ही अपने एक वीडियो में अगर आप देखेंगे, जिस समय मेरे ख्याल से दिसंबर का वीडियो होगा, शायद नवंबर दिसंबर का, मैंने कहा था कि बहुत बड़ा गेम प्लान हो रहा है, इससे सब छोटे व्यापारी खत्म हो जाएंगे और इससे सारा इफेक्ट आया कोल्ड स्टोर वालों पर। अगर मेरी बात अगर ठीक लगे तो आप लोग लाइक जरूर करना, और मेरी बात एकदम सही है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, पर दोस्तों जो गलत काम करते हैं, जो 10-2-4% लोग हैं, उनके बारे में पोल खोलना मेरा काम है। तो जो एक्चुअल स्थिति यह है कि कोल्ड स्टोर वाले जो हैं वो व्यापारियों के नीचे इस समय दबे हुए हैं, जो बड़े बड़े धुरंधर व्यापारी हैं वो कह रहे हैं कि भाई हम नहीं आलू खरीदेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ मुझे ये बताइए, सारे किसान भाइयों से मेरा आज एक निवेदन करूंगा, उस निवेदन को आप लोग स्वीकार करना, अगर खेत पे जैसे इंदौर में रेट बढ़िया अगर किसानों को मिलने लगे, ठीक है, तो अगर लागत मूल्य निकल रहा है और मन है अगर आलू बेचने का खेत पे, तो लोग थोड़ा बहुत आलू अपना खेत पे जरूर बेचें, ठीक है ना, जिससे इस समय कोल्ड स्टोर वाले लोन देने नहीं, कोई किसी को खुदाई के लिए पैसा नहीं दे रहे इस समय, कंडीशन ये है कि सबने मना कर दिए। पर दोस्तों अंदर अंदर खबरें ये भी आ रही है कि कोई 200 रुपये कट्टे का दे रहा है, कोई 250 रुपये कट्टे का दे रहा है। अब ये चीज़ें इनकी कब तक
इंप्लीमेंट रहे, कब तक ये लोग अपनी चीज़ों पे कायम रहेंगे वो देखने लायक होगा। हर साल रूल बनते हैं और हर साल टूट जाते हैं। जब इस समय जिस समय आलू की अगर बाई चांस जो इन लोग सब लोगों के तो मन में ये है कि इतनी बम्पर पैदावार आने वाली है कि कोल्ड की छत पे आलू रखा जाएगा, पर अगर बाई चांस कैसे भी अगर आलू की शॉर्टेज होगी दोस्तों तो सारी चीज़ें इनकी सब भूल जाएंगे। इंदौर में क्या हुआ किसानों ने, इंदौर में हालत ये है कि भाग भाग के परेशान है कि आलू रख दो कोल्ड स्टोरों में, और किसान कोल्ड स्टोर में आलू रखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि दोस्तों खेत पर ही उनको 600 रुपये कट्टे के पैसे मिल रहे हैं तो काय को रखेंगे वो कोल्ड में। 600 रुपये कट्टा अगर आलू बिक रहा है, जब उन्हें मालूम है एक तो बम्पर पैदावार का दुनिया में हल्ला हो रहा है, जब बम्पर पैदावार का हल्ला ही हो रहा है तो इससे बढ़िया क्या है, अपना खेत पर 600 रुपये कट्टे का आलू, 800 रुपये तो उन्हें वैसे ही पड़ रहा है, लाओ खेत पर बेच लेते, ठीक है। बाद में हमारे टूंडला में भी इस समय घमासान मचा हुआ है, कल से लोगों को पता चली है कि बोली बंद हो गई, कैसे बिक्री होगी आलू की, तो पुराने पहले की तरह छोटे मोटे किसान जो 100-150-200 कट्टे वाले होते हैं उनका तो पता ही नहीं चलता कि कब आलू बिक गया, और बोली पे उस आदमी का आलू जो 10,000 कट्टे पैदा कर रहा है उससे 100 रुपये महंगा बिक जाता है। भाई बिक्री जब आप लोग करा रहे हो भाई, और फिर बहुत से लोगों ने कही कि अरे अब बिक्री सीधी सीधी किसान अपने व्यापारियों को आलू दें, हमें कोई लेना देना नहीं है, तो दोस्तों ये भी इस पर भी कोई कायम नहीं रह पाएगा, क्योंकि कोल्ड भी तो खाली करना है समय पर। भाई किसान पे कहाँ व्यवस्था है, किसान किसको बेचेगा, जब ये सब सुविधाएं दी जा रही हैं कोल्ड स्टोरों पे, तो मैं ये चाहता हूँ कि इसके लिए अब आगे प्लानिंग चल रही है, जो भी है इन सब चीज़ों के लिए ये सारा कुछ बढ़वाना पड़ेगा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में, कि क्या रूल्स होने चाहिए कोल्ड स्टोर अगर कोई चला रहा है तो उसको बिक्री भी कराओ कोल्ड स्टोर पे आलू की, और बिक्री का मानक भी तय होना चाहिए कि कैसे होनी चाहिए, घाटा किसी को नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर किसी कोल्ड वाले को घाटा होगा तो वो किसान से जुड़ा हुआ है और किसान को सर्विस दे रहा है, तो कोई नहीं चाहेगा कि किसी कोल्ड स्टोर वाले को कैसे भी नुकसान होना चाहिए, पर दोस्तों इसमें ये नहीं होना चाहिए कि अपनी सुविधा के अनुसार कोई काम शुरू कर लिया और अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी काम बंद कर दिया, इसमें किसान का हित भी देखने के लिए जरूर रहना चाहिए। बाकी दोस्तों संबल की बात कर लेते हैं, अगर हम पहले फिर मैं भाव बता दूंगा आप लोगों को, संबल की अगर हम दोस्तों बात करें तो संबल में क्या है कि इस समय आलू की जो खुदाई चल रही है वो आलू सोइंग अर्ली सोइंग वाला पुखराज आलू है, और पुखराज आलू की दोस्तों आपको पता ही है पैदावार बम्पर निकलती है। संबल में इस साल खुदाई बहुत ज़्यादा कच्चे की हो रही है, उसका कारण एक ये है दोस्तों, एक तो ये सही समय पर बोआ गया था तो पुखराज में प्रोडक्शन अच्छा आ रहा है, दूसरा दोस्तों किसानों में घबराहट है, कोई तरबूज बोना चाहता है, कोई खरबूज बोना चाहता है, कोई कुछ बोना चाहता है। ये किसान जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये 2 एकड़ 1 एकड़ और मतलब लघु और सीमांत किसान समझ लो इनको, तुम हमारे यहाँ की तरह नहीं कि 100-100 बीघा 200-200 बीघा आलू कर रहे हैं और खोद के कच्चे बेच दिया, ऐसे हमारे यहाँ कोई नहीं बेचेगा, हमारे यहाँ 2-4-6 बीघा लोग कह रहे हैं बेचने की, शर्मा जी हम तो इस बार अपना खेत पर बेचेंगे आलू चाहे किसी भाव पे 1,000 कट्टे हम खेत पर बेचेंगे, बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं और लोगों ने सेटिंग भी बना ली और उनको खरीदार भी मिल गए, आप समझ रहे हो, और हवा यही है कि बम्पर हो गया कि बम्पर हो गया। भाई बम्पर होगा तो झेलना किसान को ही है, पर मैं जो घूम रहा हूँ दुनिया में देख रहा हूँ, मैंने भी अपना क्षेत्र भ्रमण किया तो एक भी किसान ने ये नहीं कहा कि आलू की पैदावार इस साल बम्पर रहेगी, कहीं कहा आपने किसी खेत में एक में बढ़िया है और हल्का है। बाकी दोस्तों कोल्ड स्टोर वाले जो जिनको किसानों का शोषण करना रहता है हमेशा वो लोग कर रहे हैं, और ऐसी बहुत सी चीज़ें उन्होंने मार्केट में उतार दी हैं जिससे किसानों को भ्रमित किया जाता है, घबराहट पैदा की जा रही है। मैं आप सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा आलू वालों से अपनी व्यवस्था अपने स्वयं करें, किसी के कोई आपको भ्रम में डाल ही नहीं सकता है, आप जो समझ लीजिए किसान इतनी ताकत रखता है कि इस साल अगर आलू उसने ज़्यादा किया है तो अगली साल कुछ और भी बो सकता है, समझ रहे हो मेरी बात को, तो अपनी ऐसी व्यवस्थाएं बना के रखो कि कर्ज मुक्त रहो और एकदम टेंशन फ्री रहो, जिससे किसी की कोई किसी के चक्कर में या किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। बोली बंद हो जाए, बोली बंद हो जाए उसके लिए बहुत समाधान है, बता रहे हैं आज DM साहब के यहाँ और SDM साहब के यहाँ बहुत से किसान जा रहे हैं वहाँ जाके ज्ञापन देंगे बोली बंद होने के ऊपर, या इसका कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, जो कोल्ड स्टोर में बिक्री हो रही है इसका भी कोई रूल होना चाहिए कि ऐसे बिक्री होनी चाहिए, ये सब तो इसके ऊपर इससे भी प्रशासन में ऊपर बातचीत चल रही है, हम भी अपना कोशिश करेंगे बातचीत करने की, लोगों से बात चल रही है, तो दोस्तों इसमें छुप नहीं बैठना है, थोड़ा बहुत अपना किसान से सब कुछ है, ठीक है ना, तो किसान जरूरी है मुद्दे की बात, तो ये है दोस्तों। पर दोस्तों घाटा खाकर कोई भी व्यापार नहीं करना चाहता, चाहे वो कोल्ड वाले हों चाहे कोई भी हो, और इस समय स्थिति यही है, सारे किसान जानते हैं कि व्यापारियों पर मोटा पैसा इस साल, और दोस्तों व्यापारियों की भी मजबूरी है, व्यापारी मैंने तुम्हें कहानी बताई कैसे चंगुल में फंस गए और उन्होंने अपना बहुत बड़ा नुकसान करा दिया, तो ये है दोस्तों। बाकी दोस्तों संबल में जो बम्पर पैदावार वाला पुखराज आलू चल रहा है इस समय, जो पक्के की खुदाई है, जो जो आपका चिपसोना और सूर्या जो और 37-97 उसकी खुदाई में अभी समय है, और तब तक ये आलू खुद के फ्री हो जाएगा, और इस समय खुदाई बहुत स्पीड से चल रही है वहाँ पर, क्योंकि आदमी ज़्यादा रिस्क कोई भी किसान लेना चाहता नहीं है, और ये अच्छी बात, ये रिस्क लेना भी नहीं चाहिए, सही है ना। तो बात करें दोस्तों चेन्नई की, तो चेन्नई में आज वही आलू 13-14 रुपये किलो बिके हैं, यूपी के नए आलू बढ़िया VVIP, और
इंदौर के आलू 215 से 16 रुपए किलो बिक रहे हैं। इंदौर में कमाल कर दिया किसानों ने, इंदौर वाले किसानों ने को मैं सल्यूट करना चाहूंगा। उन लोगों ने आलू खेत पे बेच लिया, उनको रेट बढ़िया मिले, व्यापारियों ने खेत पे खरीदा और खेत पे बेचकर अपना कोल्ड स्टोर, दोस्तों ये बताई जा रही है, मेरे कोल्ड स्टोर मालिकों से बात होती है, कोई कुछ भी आंकड़े पेश करे मैं नहीं मानता हूं। वो लोग ये कह रहे हैं कि शर्मा जी इस साल भरे नहीं जाएंगे और लास्ट ईयर बाहर रह गया था आलू, ठीक है ना। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं, यही मतलब समझदारी है। बात करें दोस्तों मैसूर की, तो मैसूर में 4-5 गाड़ी हैं। नए आलू की यूपी के 14 से 15 रुपए किलो आलू बिक रहा है, हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपए किलो। इंदौर का आलू 16 से 17 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 14 से 15 रुपए किलो। बात करें बेंगलोर की, तो बेंगलोर में एक्स्ट्रा सुपर आलू बिक रहे हैं आज यूपी के 11 से 12 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी के बिक रहे हैं 9 से 10 रुपए किलो। इंदौर में इंदौर का आलू 16 से 18 रुपए किलो बिक रहा है दोस्तों, वीवीआई भी हल्की क्वालिटी का 14 से 15 रुपए किलो, ठीक है। कल मैंने वीडियो डाला तो लोगों ने कहा ये चिप्स वाला आलू बिक रहा है 12 रुपए किलो, पर फिर मैंने क्लियर करके बताया भाई नहीं ऐसा नहीं है, ये आलू नॉर्मल बिक रहा है, पर इंदौर का क्वालिटी एकदम बढ़िया आती है दोस्तों। बात करें फरुखाबाद की, तो लगभग 160 मोटर के आसपास बताई जा रही है फरुखाबाद में। तो मैंने ये सुनी है कि इस समय धुआंधार खरीद हो रही है कोल्ड वालों की, मैंने ऐसा सुना है भाई, उड़ता उड़ता सुना है कि वो लोग आलू खरीद के और अपना कोल्ड स्टोरों में स्टोर कर रहे हैं, जल्दी जल्दी मुहूर्त कर दिया उन लोगों ने। हो सकता है मेरी बात गलत हो, पर मैं सूत्रों के हवाले से मेरे पास खबर आई है, और दोस्तों यही हमारे पास खबरों का तंत्र है, ऐसे आती रहती है खबरें, वो आप लोगों को अपडेट करते रहते हैं। हल्की क्वालिटी का आलू, क्योंकि उनको कोई घाटा नहीं है ना, एक कोल्ड वाला एक वीडियो में कह रहा था ना 4 रुपये किलो खरीद के हमको घाटा क्या हो रहा है 4-5 रुपये किलो। तो दोस्तों कुछ होना कह दी कि ये व्यापारियों की साल है, इस साल व्यापारियों को बहुत पैसा मिलेगा, मिलना चाहिए भाई व्यापारियों को पैसा, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी को सबको पैसा मिलना चाहिए, पर किसान को पहले मिलना चाहिए। हल्की क्वालिटी का 4 से 4.5 रुपए किलो और हल्का 4 से 4.5 रुपए किलो दोस्तों फरुखाबाद मंडी। मुंबई में 17 से 18 रुपए किलो यूपी के वीवीआईपी आलू बिके, हल्की क्वालिटी के 15 से 16 रुपए किलो, और छिलके विलके वाले उपटे वो 10 से 11 रुपए किलो, गुजरात का 10 से 11 रुपए किलो, और हल्का 7 से 8 रुपए किलो, महाराष्ट्र का लोकल 10 से 13 रुपए किलो। लोगों ने ज़मीन में जाके देख लिया, घुस के कुछ लोगों के पास ऐसी आंखें हैं कि आलू की बम्पर पैदावार हो जाएगी, और भाई हो जाए, अभी कुछ नहीं पता, जिस दिन खुदेगा उस दिन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बात करें कानपुर की, के फरुखाबाद का जो आलू है वो बिक रहा है 6 से 7 रुपए किलो, ठीक है। गुवाहाटी में भी 6 से 7 रुपए किलो बिक रहा है। पंजाब का आलू जोधपुर में बिक रहा है 6 से 7 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 5 से 6 रुपए किलो। दिल्ली आज़ादपुर का दोस्तों 10 गाड़ी संभल, 101 गाड़ी संभल की है, मैंने संभल का बताया, संभल वाले किसान इस साल आलू बहुत ज़्यादा खोद रहे हैं, और क्योंकि भाई उनको लग रहा होगा उनको रेट सही मिल रही है, वही प्रोडक्शन पुखराज आलू मेरे हिसाब से 70-70, 80-80 कट्टे का बीघा निकलाता है, 60-70 कट्टे का बीघा। पुखराज आलू से अगर आप 37-97 की तुलना करो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं होगा, ये ध्यान रखना। पुखराज सबसे ज़्यादा हाई यील्ड वैरायटी है, और सबसे ज़्यादा जी समझ लो मोहन और जो पुखराज जो आलू फालू क्या है जो, तो वो ये बवाल है और कुछ नहीं। बात करें दोस्तों पंजाब का आलू, वही बिक रहे हैं 220 रुपये 30 रुपये किलो, वो सॉरी 50 किलो, और जहीराबाद के 230 से 240 रुपए किलो। जहाँ किसान से बात हो ये कहते हैं कि और फसल लगाएंगे आलू, इसलिए हम धुआंधार खोद रहे हैं। बाकी दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर करना, लाइक करना। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आपका दिन शुभ हो।